सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनकार जी। आज का विषय है मोह। मनुष्य के पंच विकारों में से एक विकार मोह भी है। मोह ऐसा है जो हर किसी के अंदर विराजमान है, और मोह की अधिकता इंसान को कमजोर बना देती है। चाहे परिवार के प्रति मोह हो, या धन दौलत के प्रति, या जमीन जायदाद के प्रति, या किसी के प्रति, मोह हमारा हमें दुर्बल ही बनाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसे एक प्रिय है उसे एक दुख है, जिसे पांच प्रिय है उसे पांच दुख है, जिसके सौ प्रिय हैं उसे सौ दुख है। इसीलिए जीवन में अगर दुख से मुक्त होना है तो परमात्मा को अपना प्रिय बनाए और आनंद में रहे। सत्संगत कबीरदास जी ने भी कहा है, ज्यों मात प्यारा बालक त्यों भगत प्यारा राम, ज्यों जल प्यारा माछली लोभी प्यारा दाम। कि जैसे मछली को जल प्यारा है, लोभी को दाम प्यारा है, माँ को बच्चा प्यारा है, वैसे ही भगत को राम प्यारा है। संपूर्ण अवतार बाड़ी में भी सहनसा बाबा अवतार सिंह जी ने कहा है, माँ को अपना पुत्र है प्यारा, बहन को भाई प्यारा है, भूखा केवल रोटी चाहे, प्यासे को जलधारा है। बालक जैसे दूध को चाहे, धनी पुरुष को प्यारा धन, लगता प्यारा गुरु सिखों को सबसे प्यारा गुरु वचन। जिनकी जिसके प्रति आसक्ति है उनसे उनका प्यार बन जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जीवन में इस बात का भी डर होता है। जैसे किसी चीज से किसी को प्यार है और वो चीज नष्ट हो जाए, टूट जाए, तो उस बात की पीड़ा भी होती है। जैसे परिवार में किसी व्यक्ति से प्यार है और वो हमारे अनुकूल व्यवहार ना करे और हमसे अटपटा व्यवहार करे, तो इस बात का दुख होता है। अगर हमारी संपत्ति है वो हमसे खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए, इस बात की पीड़ा होती है। सत्संगत, किसी चीज के पाने में जितनी खुशी होती है उसे खोने का उतना ही दुख होता है। इसीलिए महात्मा हमेशा से जीवन में हमें सजग करते हैं, कहते हैं कि परमात्मा से प्रेम रखिए, हरि से जनतु हित रख कर हरिजन से हित, माल मुलक हरि देत है हरिजन हरि को दे। महात्मा परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं और परमात्मा सारा सुख इंसान के लिए रखते हैं, लेकिन महात्मा के शरण में जाने से ही परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो सकती है। अन्यथा मन एकाग्र ही नहीं होगा, हम भक्ति ही नहीं कर पाएंगे। आइए हम सभी अपने मन को सतगुरु के चरणों में समर्पित करें, सतगुरु के वचनों पे अर्पित करें, ताकि सत्संगत हमारा जीवन सुंदर हो, आनंदमयी हो, खुशहाल हो। मोह के विषय में आप सभी जानते हैं, सतगुरु बाबा जी भी कहते थे, जितनी गहरी आसक्ति उतना गहरा दुख। कि हमारी आसक्ति ही हमारा दुख का कारण है। सत्संगत, किसी शायर ने भी कहा, खंजर की क्या मजाल कि घायल तुझे करे, तेरे ही थे ख्याल कि घायल हुआ है तू। कि अगर हम खंजर को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हाथ हमारा ही कटेगा। इसलिए हमेशा चेतनता, सजगता के साथ हम सभी को जीवन की यात्रा को तय करना है, मोह का सहारा लेना है, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पित
मोह भाव हो, क्योंकि कही अवतार के गुरु भक्तों को सबसे प्यारा गुरु वचन के गुरु के वचनों को ही जीवन में स्थान देना है, गुरु के जीवन दर्शन को अपने जीवन का अंग बनाना है, परमात्मा से ही प्रेम रखना है। इन भावों के साथ ही दास आज इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।